Hey guys, good morning and welcome back to the channel. तो दोस्तों आज को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो अपने गाड़ी और आगे वाला गाड़ी जब आप रनिंग में हो, जब आप गाड़ी स्पीड पे चला रहे हो तो अभी उसके सामने वाला गाड़ी और आपके गाड़ी के बीच में कितना गैप होना चाहिए, सेफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आज को दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली गाड़ी चलाते हुए ये चीज मैं दिखाऊंगा, ना कि खाली वर्बली बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके गाड़ी और आपके सामने वाला जो गाड़ी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैटर कर सकता है आपका, मतलब क्या बताऊं, आपका ये एक्सीडेंट रोक भी सकता है, एक्सीडेंट घटा भी सकता है। तो हमेशा अपना गाड़ी और सामने वाला गाड़ी के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। वो डिस्टेंस क्या है, कितना है, वो मैं आज को दिखाता हूं इस वीडियो में। हम लोग जब खाली रास्ते में भी गाड़ी चलाते हैं तो अभी हम लोग कितना डिस्टेंस अपने आगे वाला गाड़ी से रखना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आप देख पा रहे हो। जो मेरा और आगे जो ब्लू कलर का जो गाड़ी जा रहा है उसका बीच में मैं काफी ज्यादा गैप रखा हूँ। इस गैप रख मतलब ये कम से कम में एक गाड़ी का गैप हमेशा रख के चलिए। अगर ओवरटेक करना है तो ओवरटेक कर लीजिए, वरना हमेशा मतलब एक गाड़ी का गैप हमेशा बीच में रखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि अगर वो इमरजेंसी ब्रेक करे, ठीक है, अगर इमरजेंसी ब्रेक वो करे तो कम से कम आप बच जाओ, आपको कुछ टाइम मिल जाए ताकि आप गाड़ी को सही टाइम पे रोक दोगे, ठीक है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आप एकदम पीछे पीछे गाड़ी एकदम एक हाथ मतलब डिस्टेंस रख के गाड़ी चलाते हो। देखिए ये रास्ता में उसके सामने कोई कुछ अचानक से आ सकता है तो आप भी अपना गाड़ी को रोक नहीं पाओगे उस टाइम पे। तो उससे बेहतर होता है हमेशा, ठीक है, हमेशा से आपका सामने, देखिए ऑटो वाला घुस रहा था, हमेशा अपने गाड़ी और जो सामने वाला जो गाड़ी है उसके बीच में एक गाड़ी का जगह रखिए। अगर आप खाली रास्ते में चल रहे हो, देखो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा तो उस बारे में वो अलग होता है क्योंकि उसमें आपको मतलब उसमें आपको स्पीड ज्यादा नहीं रहता है। देखो अभी मेरा गाड़ी का स्पीड अभी भी ज्यादा नहीं है, अभी भी मैं 40-50 में चला रहा हूँ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, सामने वाला जो गाड़ी है वो मेरे को दिखाना है आपको, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहा हूँ उसका पीछे पीछे। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। आप मतलब जब भी गाड़ी का अगर स्पीड अच्छा खासा हो, मतलब मेरे हिसाब से तो 40-50 का स्पीड भी अगर हो तो हमेशा एक गाड़ी का गैप बनाए रखिए। और सोच लीजिए एकदम आप टेलगेटिंग कर रहे हो तो वो अचानक से ब्रेक लगाया, आप भी उसका जाकर पक्का भिड़ जाओगे, आप रोक नहीं पाओगे। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। मेरे को लगा ये चीज थोड़ा सा बताना चाहिए जो नया ड्राइवर है या फिर पुराना भी जो ड्राइवर्स होते हैं वो लोग भी यही गलती करते हैं जो गाड़ी के एकदम पीछे चिपका के चलते हैं। तो भाई थोड़ा बहुत गैप रख के चलो, बिल्कुल भी चिपका के चलने का कोई मतलब नहीं है। मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस, देखो मेरा अभी बात कर रहा हूँ इसीलिए मैं थोड़ा सा, देखो अभी मैं स्पीड फिर से बढ़ाया हूँ, मैं 60 में लेके चला गया, लेकिन मैं हमेशा सामने बाइक स्कूटी कुछ भी जाए, देखो ये सामने बाइक भी जा रहा है ना, तो मैं गाड़ी को धीरे कर लिया क्योंकि हो सकता है वो सामने गिर जाए, ठीक है, बाइक वाला, या फिर मुड़ जाए। तो आपको तो भाई थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा ना, तो आप थोड़ा सा गैप हमेशा बना के रखो। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में देखो आगे जैसे सिग्नल है तो मैं कितना दूर में गाड़ी रोकता हूँ उसका पीछे भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी मैं गया, मैं जा रहा हूँ, ब्रेक लगाया मैं पूरा, ठीक है, देखो मैं तब पर भी इतना मैं गैप रख के चल रहा हूँ। क्यों, आगे अगर सामने अगर गाड़ी खराब हो गया तो आप कहाँ से निकलोगे, वो जब तक नहीं हटेगा आप तो हट नहीं पाओगे। लेकिन आपको सामने थोड़ा सा जगह रखोगे ना, देखो एकदम धीरे भी चल रहे हैं तो भी जगह बना के चल रहे हैं ताकि अगर मेरे को अगर सामने रुक भी गया तो मेरे को थोड़ा सा तो भाई टाइम मिल जाए, जैसे मैं दाएं बाएं थोड़ा सा घूम जाऊं, ठीक है। तो ये गैप हमेशा बना के रखिएगा, ये आइडियल जो चीज है मेरे को जो लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं लगभग 2-2.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ही आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो हमेशा गैप बना के चलो भाई, चिपका के गाड़ी बिल्कुल भी मत चलो।